स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सी एस सौरभ सिंह बघेल एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेओल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का ये वीडियो। इससे पहले हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं, अब हम फेओल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो जानते हैं आपके सिलेबस में दो तरह के प्रिंसिपल हैं, एक फेओल का प्रिंसिपल है और दूसरा टेलर का प्रिंसिपल है। तो फेओल के प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उठता है कि फेओल का प्रिंसिपल हम पढ़ते क्यों है। भैया देखो, फेओल एक फ्रेंच मैनेजमेंट के एक्सपर्ट थे, ठीक है। इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की जो कि बहुत ही ज्यादा लॉस मेकिंग कंपनी थी, और उस कंपनी में इन्होंने अपने मैनेजमेंट के तरीके से इस तरह से चेंजेस किए कि जब इन्होंने कंपनी छोड़ा तो वो एक कंपनी बहुत ही अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी। तो इन्होंने जो वहां पर प्रिंसिपल्स लगाए, इन्होंने जो वहां पर थ्योरीज लगाई, उन्हें ही क्या बाद में बोला गया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वो सब फॉलो करने लगे कि अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी इतना बढ़िया कर सकती है तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हम बना सकते हैं इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। तो फेओल को क्या कहा जाता है, फेओल इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। और इन्होंने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो फेओल इज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं, इन्होंने जो पहला प्रिंसिपल दिया उसका नाम था डिवीजन ऑफ वर्क। इन्होंने बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम आप खुद मत करिए, उस काम को डिवाइड करिए। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे तरह के काम किए जाते हैं और उसको फिर डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करके अलग अलग लोगों को उनकी योग्यता, उनकी स्किल, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम दीजिए। जैसे मैं आपके स्कूल की बात करूं तो आपके स्कूल में कई तरह के सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, कॉमर्स हो गया, ठीक है ना। अब ये अलग अलग एक ऑर्गेनाइजेशन के काम अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब इन पे जो है मैथ पढ़ाने का काम मैथ वाले सर को, केमिस्ट्री पढ़ाने का काम केमिस्ट्री वाले सर को, फिजिक्स पढ़ाने का काम फिजिक्स, ऐसे बायोलॉजी में भी, ऐसे कॉमर्स में अकाउंट पढ़ाने का काम अकाउंट्स को वाले सर को, बीएसटी पढ़ाने का काम बीएसटी वाले सर को, और इकोनॉमिक्स पढ़ाने का काम इकोनॉमिक्स। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगी। अब जाहिर सी बात है, मैथ्स वाला आदमी मैथ्स पढ़ाएगा तो इफिशियंट रहेगा, और वो बार बार वही काम करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, उसका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वर्क यानी काम को टुकड़ों में बांटिए और फिर उस काम को ऐसे लोगों को सौंपिए जो वो काम करने में अच्छे हो, बेहतर हो। उसके बाद आते हैं दूसरा, क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट, राइट यानी अधिकार, और ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ड्यूटी यानी कर्तव्य, ठीक है। तो देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, और अगर अथॉरिटी दे रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी पड़ेगी। मतलब आपको देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए कि आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला कि आपको 1,00,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो उनके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो 1,00,000 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल ले सकें परचेस डिपार्टमेंट से। अगर उनको ये रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाएंगे। अनलेस एंड अनटिल दे आर गिवन अथॉरिटी, दे कैन नॉट फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तीसरे प्रिंसिपल में चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले हर एक पर्सन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर बोला गया है कि सिगरेट अलाउड नहीं है तो सिगरेट शुड नॉट बी अलाउड। अगर ऑर्गेनाइजेशन में बोला है कि आपको 8 बजे टाइम पे आना है तो आपको टाइम पे आना है। मतलब ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हो जाएगी, ठीक है। अब अगला है आपका प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड क्या है कि ये कहते हैं कि एक सबऑर्डिनेट यानी एक सबऑर्डिनेट को एक ही बॉस से ऑर्डर आना चाहिए। कैसी बात है, सुने देखें। मान लीजिए यहां पर है एक एक्स, ठीक है ना, ये क्या है, सबऑर्डिनेट। अब इसके बॉस हैं 4, ए बी सी डी। अब ये ए अलग ऑर्डर देता है एक्स को, बी अलग ऑर्डर देता है, सी अलग ऑर्डर देता है, डी अलग ऑर्डर देता है, तो एक्स क्या होगा, एक्स कंफ्यूज होगा।
कंफ्यूज होगा और अल्टीमेटली इसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी, क्योंकि इसको समझ नहीं आएगा कि करूं क्या, किसकी बात सुनूं। तो ये कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड में कि एक्स अगर है सबऑर्डिनेट तो एक एक्स को, मान लो ए है इसका बॉस, तो ए से ही ऑर्डर आना चाहिए, मतलब वन सबऑर्डिनेट शुड बी गिवन ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स ओनली, ही विल बी अकाउंटेबल टूवर्ड्स ओनली वन सुपीरियर, मतलब वो एक ही बॉस से उसको ऑर्डर मिले और वो एक ही बॉस के प्रति जिम्मेदार हो। तो ये क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है ना, एक ही जगह से ऑर्डर आए। अब हम बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। मतलब मान लो ये है टारगेट, ठीक है, ये है आपका क्या, यहां पर मैं लिख देता हूं टारगेट, ठीक है, दिस इज योर टारगेट। अब यहां पर चार डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो इन चारों डिपार्टमेंट्स को इसी टारगेट को ध्यान में रखना है। बात समझ में आई, मतलब ऑल यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड्स सेम ऑब्जेक्टिव, इसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए ये चारों डिपार्टमेंट साथ में काम करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं प्रिंसिपल नंबर 6 की बात करते हैं, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये क्या बात है, देखो भैया आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ना कि आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को। कैसे, सुनिए, मान लीजिए टीम इंडिया है, क्रिकेट की टीम इंडिया की बात करें, तो टीम इंडिया का जीतना ज्यादा जरूरी है, ना कि विराट की सेंचुरी। बताएं कौन ज्यादा जरूरी है, टीम इंडिया का जीतना ज्यादा जरूरी है कि विराट की सेंचुरी? टीम इंडिया का जीतना ज्यादा जरूरी है, मतलब जनरल इंटरेस्ट यानी ग्रुप इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ज्यादा जरूरी है, पर्सनल इंटरेस्ट को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट फुलफिल होगा तो पर्सनल इंटरेस्ट भी फुलफिल हो जाएगा। अब हम आगे की बात करते हैं, फिर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय, अगला प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखो इस प्रिंसिपल के हिसाब से कहते हैं कि एम्प्लॉयज को उतना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए जिससे वो अपनी जिंदगी स्टैंडर्ड तरीके से जी सकें, स्टैंडर्ड मतलब अच्छी तरीके से जी सकें, उनको फेयर वेजेस मिलना चाहिए, और वो वेजेस ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी से बाहर भी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो अच्छा वेजेस मिलेगा, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन लॉस मेकिंग है तो वर्कर्स को भी थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा। वर्कर्स अगर ये डिमांड करते हैं कि नहीं मुझे तो उतना ही प्रॉफिट चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ध्यान ये देना है कि वेजेस जो होना चाहिए वो एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छा हो और ऑर्गेनाइजेशन की भी कैपेसिटी में हो। अब हम बात करते हैं अगले की, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो सेंट्रलाइजेशन क्या है, सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रिस्ट्रिक्टेड हो कहां पर, टॉप लेवल, रिस्ट्रिक्टेड एट टॉप लेवल, मतलब ज्यादातर डिसीजन जो है वो टॉप लेवल पर लिए जाते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल, मतलब सबको अधिकार दे दिए जाए डिसीजन लेने का। तो देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर बैलेंस रखना पड़ेगा बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों बैलेंस रखना पड़ेगा, अगर आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मान लो जियो है आप, तो बड़े डिसीजन तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेगा, लेकिन उसके अलावा भी जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं वो रूटीन डिसीजंस के लिए मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को अलाउ कर दिया जाएगा। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, अगला प्रिंसिपल है स्कॉलर चेन। देखो स्कॉलर चेन है क्या, फेयोल ने ये बोला कि आप क्या करें, एक प्रॉपर चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन बनाएं, अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और फिर उसमें क्या बोलें कि उसी तरह से लोग कम्युनिकेट करें, मतलब उस चेन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। तो फेयोल ने ये बोला कि मान लो ए है टॉप, उसके बाद बी सी डी ई और फिर एफ जी एच आई, तो अगर ई को कम्युनिकेट करना है ए से तो ई क्या करेगा, डी को कम्युनिकेट करेगा, फिर डी के थ्रू सी, सी के थ्रू बी एंड बी के थ्रू ए। इसी तरह से अगर आई को कम्युनिकेट करना है ए से तो आई से एच, फिर जी, फिर एफ और फिर ए। अब
लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आई कि इसमें टाइम बहुत लग जाता है। तो फेओल ने बोला कि इन केस ऑफ अर्जेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या कर सकते हैं, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक मतलब मैं आपको बताता हूं ये क्या है, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या कहता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन एट सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉइज, बाय सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब इन्होंने क्या बोला गैंग प्लैंक में कि फेओल ने यह कहा कि अगर आपको इमरजेंसी है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन आप जिससे करेंगे वो आपके लेवल का होना चाहिए। मतलब डी और एच के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, ये अपने सुपीरियर्स को बता के डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि क्या ई और जी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं कर सकते, क्योंकि इनका लेवल सेम नहीं है। ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है लेकिन ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई, ठीक है ना। मतलब अगर मैं आपको बात करूं तो डिपार्टमेंट ए है और डिपार्टमेंट बी मान लो, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। अब यहां का सुपीरियर जो है सुपरवाइजर बी डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से कम्युनिकेट कर सकता है डायरेक्टली, लेकिन बी डिपार्टमेंट के मैनेजर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। कम्युनिकेट गैंग प्लैंक में कम्युनिकेट होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, लेकिन सेम लेवल या फिर सेम रैंक के ऑफिसर से ही हो सकता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगला जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है, एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी एट प्रॉपर प्लेस। मतलब जिस चीज के लिए जो प्लेस फिक्स किया गया है उसी प्लेस पे हो। मतलब अगर रॉ मटेरियल के लिए स्टोर फिक्स किया गया है तो रॉ मटेरियल स्टोर पे ही मिले, और अगर किसी पर्सन के लिए, मान लीजिए स्टोर मैनेजर के लिए फिक्स किया गया है कि वो स्टोर पे ही अवेलेबल होगा, तो वो कहां पर मिले, स्टोर में ही मिले। अदरवाइज क्योंकि उससे अगर वहां पर मिलेगा तो उससे कम्युनिकेशन करना आसान हो जाएगा। तो देयर शुड बी एवरीवन एंड एवरीथिंग एट प्रॉपर प्लेस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या है, इक्विटी को हिंदी में कहते हैं समता। ये क्या है, सबका साथ और सबका विश्वास। मतलब हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे अपने एम्प्लॉयज के बीच में, ना तो रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, नेशनैलिटी, ठीक है ना, और भी किसी भी रीजनैलिटी, किसी भी बेसिस पे हम उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। तो जब भेदभाव नहीं करेंगे ये क्या है एम्प्लॉयज के बीच में अच्छे म्यूचुअल कॉर्डियल रिलेशंस बनाएगा। अब हम अगर बात करें अगले प्रिंसिपल की, तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल में ये कहा गया कि देखो कोई आप एम्प्लॉय को लेके आए, अब एम्प्लॉय को आपने सेलेक्ट किया, उसको ट्रेनिंग दी, तो उसको यहां पर काम, नया एम्प्लॉय आया है तो उसको सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको वो मौका दीजिए और क्या करिए आप उसको टिकने दीजिए। आप उसको बहुत जल्दी चेंज मत करिए। आप इंप्लॉयज को अगर बहुत जल्दी चेंज करते जाएंगे, एक एम्प्लॉय रखा फिर एक महीने में उसको निकाल के दूसरा रखा, तो इंप्लॉयज का विश्वास आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा, आपकी कॉस्ट भी बार बार लगेगी। मतलब आप इंप्लॉय टर्नओवर को कम करने की कोशिश करिए स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में। मतलब इन्होंने ये बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉय ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, तो उनको आप टिक कर काम करने दीजिए, बार बार चेंज मत करिए प्लीज, ऐसा फेओल ने बोला, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की, जो है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक काम करने को बोला गया, मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड ने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, टीवी में एडवर्टीजमेंट देना चाहिए। इन्होंने क्या बोला, टीवी में एडवर्टीजमेंट देना चाहिए। तो उसका एक सबऑर्डिनेट था, उसके नीचे काम करने वाला बंदा, वो आया और उसने बोला कि सर एक काम करते हैं कि हम टीवी में ऐड देने की जगह, बल्कि हम ये करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू ऐड देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अब सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। अब दो तरीके से हो सकता है, या तो उसका बॉस उसको बोल देता कि चुप रहो, जो मैं बोल रहा हूं वो करो, या फिर उसका बॉस ये बोलता कि बहुत अच्छा सजेशन है, इस पे हमें काम करना चाहिए। तो अगर वो कहता है
कि इस पे हमें काम करना चाहिए, मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव को फॉलो कर रहा है। तो इम्प्लॉयज को इनकरेज करना चाहिए, इम्प्लॉयज द्वारा मैनेजर्स इनकरेज करेंगे इम्प्लॉय को कि वो इनिशिएटिव लें, जिससे नई नई सोच ऑर्गेनाइजेशन में आए, नए नए तरीके डेवलप्ड हो सकें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉय खुश रहेगा कि चलो कम से कम मेरी बात भी तो सुनी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन और रूल्स को तोड़ दिया जाएगा। इनिशिएटिव मतलब क्या है, नए तरीके से काम किया जाएगा, नई सोच के साथ किया जाएगा, लेकिन नियम नहीं तोड़े जाएंगे। और अगला क्या है, स्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट होना चाहिए। टीम स्पिरिट मतलब इंप्लॉय मिलजुल कर काम करें, मिलजुल कर काम करें। क्यों मिलजुल कर काम करें, क्योंकि मिलजुल कर काम करेंगे तो आप टुगेदर वी कैन अचीव मोर, ठीक है ना। मतलब टुगेदर एवरीवन, टीम का मतलब क्या होता है, ऐसे टुगेदर, ई का मतलब एवरीवन, ए का मतलब अचीव और एम का मतलब मोर। मतलब टुगेदर वी कैन अचीव मोर। आई शुड बी रिप्लेस्ड विथ मी, मतलब अपने आप पे ही ध्यान नहीं देना है बल्कि टीम स्पिरिट के लिए काम करना है, ठीक है। अगर आपने चक दे इंडिया मूवी देखी हो तो वो एक कोमल चौटाला रहती है और एक प्रीति सबरवाल रहती है, वो दोनों आप अपने अपने लिए ही खेलते रहते हैं, कभी एक दूसरे को पास नहीं देते हैं। तो लेकिन जब सेमीफाइनल या फाइनल आता है तो वो पास कर देते हैं, मतलब उनके बीच में पहले किस चीज की कमी थी, टीम स्पिरिट की कमी थी। लेकिन बाद में जब वो मिलके खेलते हैं, मतलब उनके बीच में टीम स्पिरिट डेवलप हो गया है, आई की जगह वी पे सोचेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, आप कमेंट करके फीडबैक बता सकते हैं और अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।